अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ स्पीड न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं अंजमन ताजरान सादकाबाद ता हाजी चौक सदर खालिद महमूद। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कारोबार के हालात जो हैं जी आजकल नहायत ही ख़राब हैं। हमारा सादकाबाद चौक जो है कारोबार का मरकज़ था, ये सादकाबाद चौक से लेकर ट्रांसफार्मर चौक। खालिद साहब, पोजीशन संगीन होती जा रही है, वायरस बढ़ रहा है जी, क्या देखते हैं आप? ये लोगों से अपील है कि बच्चे और बूढ़े खासकर घर से कम निकलें, जो बड़े हैं जो ज़रूरत की चीज़ है वो लें और अपने घरों में चले जाएं। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम जो है ना बच सकते हैं। अगर हम बग़ैर बिला ज़रूरत घर के सारे अफराद अगर बाज़ारों में होंगे, हमारे यहाँ यूनिटी स्टोर है तो बहुत ज़्यादा रश होती है। हालाँकि मैं एक चीज़ से जो है वो खुश हूँ कि हुकूमती सतह पर जो इकदाम हैं फौज कमेटी वाले और पुलिस वाले और आइलेट फोर्स वाले जो हैं ये ठीक जो है ना वो काम कर रहे हैं। वो मुनासब बाज़ार पे आते हैं और साइडों पे कराते हैं, लोगों को बताते हैं वफ़े से खड़ा हो, ये ठीक है, इंतज़ाम बिल्कुल ठीक है। हालात जिस तरह हम आगे जा रहे हैं देख रहे हैं कि अमवात की शरह पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं और हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। लोगों के काम नहीं हैं, लोग भी बहुत जो है जी परेशान आ रहे हैं और इसलिए हम हुकूमत से अपील करेंगे कि तमाम कारोबारों को सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक रमज़ान शरीफ में खुलने की इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि लोग गुजर बसर कर सकें और जो कारोबार का पी है जो है चलें और ज़रूरतमंद अफराद जो है बाज़ारों में आएँ, रश कम हो तो तभी हालात जो है ठीक हो सकते हैं, वरना और ज़्यादा ख़राब होंगे। गुरबत बढ़ रही है, शरीफ आदमी का जीना मुश्किल है। पार हुकूमत खोलती है, इजाज़त देती है, तो क्या समझते हैं कि उस पर जो हिफाजती जो तदाबीर हुकूमत बताएगी उस पर अमल दरामद होगा? हिफाजती तदबीर पे तो अमल दरामद जैसे है मुश्किल है कि हमारे लोग ये समझते नहीं हैं, लेकिन 50% इस पर जो है जी अमल दरामद जो है ना जी होगा इंशाल्लाह। और जो लोग घरों में वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा जो है ना जी मौका काम का जो है ना मिलना चाहिए, इंशाल्लाह बेहतर रिस्पांस मिलेगा ताजरों की तरफ से। हमारे ताजर तावन करने के लिए तैयार हैं, कपड़े वाले हो गए, ज्वेलरी वाले हो गए, जूतियों वाले हो गए, जो मुकम्मल तौर पर बंद हैं इस वक्त। अच्छा, कारोबारी बरादरी को इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं? कारोबारी इस टाइम हम यही करते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है जी अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है और हम सबको अपने अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमारे मुल्क को और हम मुसलमानों को बचाए कि ऐसा वक्त आ गया है कि हम जो है इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ सकते। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वक़्त है और हमें इंफरादी तौर पर आप अपने गुनाहों की जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम ताजर बरदरी और बाकी से भी अपील करता हूँ जो हम सबको अपने अपने इनफरादी तौर पर गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब।